प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत बने फ्लैट लाभार्थियों को सौंपने हरिद्वार दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का हेलीकॉप्टर पुलिस लाइन में लैंड हुआ। वहां पहुंचकर मुख्यमंत्री धामी ने जवानों की हौसला अफजाई की और उनके साथ मैस में बैठकर खाना भी खाया। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बने फ्लैटों को लाभार्थियों को सौंपने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार दौरे पर आए, जिस दौरान उनका हेलीकॉप्टर पुलिस लाइन में लैंड कराया गया, जिसके बाद मुख्यमंत्री धामी ने जवानों की हौसला अफजाई करते हुए किसी होटल या गेस्ट हाउस में न जाकर पुलिस लाइंस के मेस में खाना खाया। वहीं भोजन ग्रहण करने के बाद हाईटेक मेस की सराहना के साथ ही सशक्तिकरण और रोजगार हेतु पुलिस परिवार की महिलाओं के लिए बनाए गए संगठन उपवा यानी उत्तराखंड पुलिस वाइफ्स वेलफेयर एसोसिएशन के अंतर्गत बने प्रोडक्टों से रूबरू होते हुए उनकी सराहना की। इसके अलावा पुलिस मॉडल स्कूल के बच्चों ने प्रदेश भर में चलाए जा रहे ड्रग्स फ्री देवभूमि मिशन 2025 के अंतर्गत नशे के खिलाफ बनाए पोस्टर को मुख्यमंत्री धामी को सौंपा, जिसके बाद मुख्यमंत्री धामी ने पुलिस मॉडर्न स्कूल के बच्चों से मुखातिब होते हुए बच्चों के इस सार्थक प्रयास की प्रशंसा की। साथ ही इस वर्ष बोर्ड परीक्षा में अव्वल आने वाले छात्र छात्राओं के उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। मध्य प्रदेश की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से संवेदनशील मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का उपहार सभी पात्र महिलाओं को दिया गया है। इसके तहत उन्हें प्रतिमाह 1,000 रूपए दिए जाएंगे। ये राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंचाई जाएगी। योजना की प्रक्रिया बेहद सरल और निशुल्क है। योजना से जुड़ने के लिए बहनों को कहीं भटकने की आवश्यकता भी नहीं है। 10 जून को पहली किस्त बहनों के खाते में आ जाएगी, 1,000 रूपया की पहली किस्त। योजना से जुड़ी अधिक जानकारी हेल्पलाइन नंबर 07552700800 एवं वेबसाइट cmlaadlibehna.mp.gov.in पर प्राप्त की जा सकती है। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।